दानिश शेरोत अभी अभी वुमन राइट के मशहूर लॉयर रूबीना के ऑफिस में मौजूद हैं और वो यहाँ पे आ चुकी हैं। जी दानिश, आप क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों के बारे में? नो कमेंट। देखिए, इस पर हम बाद में बात करेंगे। एज यू नो, इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू और ये उनका पर्सनल मैटर है और आई थिंक किसी का तमाशा लगाने के बजाय यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, शुरू हो गया टॉम एंड जेरी का शो। शहाना, दानिया और शहरोज तीनों बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं अपने इलाके के। इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता इन तीनों में से किसी को लूज करना। सर, बच बचाओ तो करवाना पड़ेगा। हम अभी हुकूमत में हैं, अपोजिशन वाले हमारी ताक में बैठे हैं। अरे भाई, वो हमारी सीएम साहिबा कहाँ रह गई? सर, मैं अभी कॉल करती हूँ। सर, सीएम साहिबा आ गई। अच्छा, बताइए। आप लोग जरा थोड़ी देर बैठिए, मैं उनसे मिल। मैं और मेरी बीवी दानिया शरोज एक दूसरे के साथ बेहद खुश और मुतमईन हैं। दानिया का किरदार बिल्कुल साफ है और मुझे उन पर पूरा भरोसा है। मुझे नहीं समझ आती कि हमारी पर्सनल लाइफ बार बार पब्लिक क्यों की जाती है। पहले मेरी और फिर मेरी बीवी के स्कैंडल्स बनाए जाते हैं। ये सब हमें बदनाम करने के लिए किया जाता है। हम लोगों ने अपनी फैमिली स्टार्ट की है, वो अपने घर गई हैं, जैसे हर आम औरत अपने मायके जाती है, बिल्कुल वैसे ही। और ये सारी तस्वीरें जो फैलाई गई हैं ना, उन्हें बदनाम करने की साजिश है। वो लॉयर के ऑफिस इसी स्कैंडल को डिस्कस करने गई थी। हमारी कोई अलहदगी नहीं हुई। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, आपकी तरफ से एक न्यूज ब्रेक की गई है कि दानिया आपको बदनाम करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल गलत। ये मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है और अगर ऐसा होता भी, हम खानदानी लोग हैं, ये जहर का घूट भी पी जाते। शुक्रिया। आपके कहने पे शहरोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली और दानिया को लेने भी चला गया, लेकिन वो वापस लौट के आई नहीं। उसके बच्चे इतने परेशान हैं, उसको कोई परवाह ही नहीं है। अब एक खानदान की इतनी बेइज्जती हो जाए तो कितनी शर्मिंदगी की बात है। अब आप ही बताएं क्या करें हम। What should we do? अच्छा है सियासतदान अगर अवाम में थिएटर करें तो ही बेहतर है। कम से कम मेरे सामने नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है।